हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप बताऊंगी सलवार की मोड़ी कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए ये हमारी सलवार है, ये हमारी सलवार पूरी तैयार है। देखिए इस तरह अब हम इसमें से मोड़ी बनाएंगे इस तरह। और ये मोड़ी का बॉर्डर है, देखिए मैंने चौड़ा बॉर्डर लिया है। और देखिए इसमें हम इस तरह मोड़ी बनाएंगे। तब से कपड़ा लिया है, आपके पास सेम हो तो सेम ले लीजिए। देखिए पहले हम बॉर्डर का नाप ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह है बॉर्डर की जो लंबाई है 3.5 इंच है। देखिए इस तरह हम जो कपड़ा लेंगे, कपड़ा हम 5 इंच लेंगे। इस तरह हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह, इसी तरह मैं एक और कट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिए दो। अब मैं बुकरम कट करूंगी। देखिए हमने बुकरम लिए डबल फोल्ड में। देखिए इस तरह इसमें निशान लगाएंगे। देखिए बॉर्डर जो हमारा था 3.5 इंच का, तो इस तरह 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया है, सेम इस तरह हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया है। देखिए इस तरह अब मैं आपको इसका सिलने का मेथड बता देती हूँ। देखिए नीचे मैंने सलवार की मोड़ी रख ली है और जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और हम स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे पहले। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। देखिए अब हम इस तरह अंदर फोल्ड करेंगे इसे इस तरह। और जो हमने बुकरम कट की थी उसे हम इसके अंदर रखेंगे। देखिए इस तरह पहले हम नीचे सिलाई लगाएंगे स्ट्रेट। देखिए इस तरह हम सेट कर लेंगे नीचे बुकरम। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, देख सकते हैं। देखिए इसमें जो हमने एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा इस तरह हम बुकरम में अंदर फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह हम बुकरम के अंदर करेंगे फोल्ड और इस तरह स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी है कोने पे, देख सकते हैं। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी ऊपर। अब जो अब हम इसमें कोई डिजाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि हम इसके ऊपर बॉर्डर लगाएंगे इसका। देखिए इस तरह हम इसका बॉर्डर रखेंगे नीचे से सेट करते हुए और इस तरह स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह हमने नीचे सिलाई लगा दी है, अब हम ऊपर सिलाई लगाएंगे कोने पे। देखिए इस तरह में ऊपर भी सिलाई लगा दी है। देखिए हमारा पूरा तैयार हो गया, पीछे हमारी फिनिशिंग आई है। इसी तरह मैं दूसरी मोहरी तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने दोनों बॉर्डर लगा लिए, अब हम फिटिंग देंगे इसमें। देखिए इस तरह मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। और देखिए इस तरह हम 6 इंच तक निशान लगाएंगे और देखिए इस तरह हम इसे क्रॉस में निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह देखिए इसी तरह मैं पूरे फिटिंग लगा लूंगी। देखिए इस तरह मैं फिटिंग लगा दी, देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर उकार हमारी मोरियों का। इस आसान तरीके से आप भी सुंदर सी मोरी बना सकते हैं बॉर्डर वाली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर।